यूक्रेन ते हमला करन तो बाद पछमी देशां वल्लों रूस दी सख्त शब्दां विच निंदा कीती गई। हुण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी रूस अते इस दे मीडिया खिलाफ अगे आ रहे ने। यूट्यूब दी कंपनी अल्फाबेट ने कहा है कि रूसी मीडिया दे सरकारी चैनल रशिया टूडे ते होर चैनल हुण यूट्यूब ते इस दीआं ऐप्स राहीं मशहूरी नहीं कर सकणगीआं। गूगल ने भी रूस ते मशहूरी उपर पाबंदी लगा दित्ती है। दरअसल यूक्रेन दे डिजिटल मंत्री ने यूट्यूब नूं रूस दे प्रोपेगेंडा नूं रोकण दी अपील कीती सी। रूस दा मीडिया खास करके रशिया टूडे हर साल यूट्यूब ते गूगल राहीं लखां डॉलर दी कमाई करदा है। यूट्यूब तो पहला फेसबुक ते ट्विटर ने रूस तो मिलन वाली मशहूरी नूं बंद कर दिता है। इन्हां दोहां ते रूस विच रोक भी लग चुकी है। उधर दूजे पासे रूस यूक्रेन विचकार जमीन दे नाल नाल इंटरनेट ते भी जंग छिड़ गई है। हैकर्स दे एक ग्रुप एनोनिमस ने चेचेनिया दी सरकारी वैबसाइट नूं हैक करन दा दावा कीता है। फिलहाल वैबसाइट ओपन नहीं हो रही ते एरर पेज दिख रहा है। यह हैकिंग अजे समय हुई है जदों कुछ घंटे पहला ही चेचेनिया दे लीडर रमजान कादरोव ने कहा सी कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के समर्थन चेचेन लड़ाके तैनात कर दिए गए ने। कादरोव ने एक ऑनलाइन वीडियो च कहा कि चेचेन लड़ाकियां ने एक यूक्रेनी फौजी हड्डे ते आसानी नाल कब्जा कर लिया है। एनोनिमस ने शुक्रवार नूं रूस के खिलाफ साइबर वॉर का ऐलान किया सी। इस तों बाद रूस दीआं कई सरकारी वैबसाइट्स ते साइबर अटैक होए। रूस दे रक्षा मंत्रालय दी वैबसाइट भी कुछ घंटियां दे लई बंद पई सी। कीव इंडिपेंडेंट दी कल दी एक रिपोर्ट मुताबक रूस दीआं 6 सरकारी वैबसाइट्स डाउन सी। कुछ सरकारी चैनलां नूं हैक करन दी भी रिपोर्ट है। रूस दे सरकारी मीडिया आउटलेट रशियन टूडे ने इस गल दी पुष्टि कीती है कि उसदी शुक्रवार नूं वैबसाइट भी अटैक तों बाद हौली चल रही सी। ब्यूरो रिपोर्ट द खालिस टीवी।